तो गाइस आज हम खेलने वाले हैं इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D का ऐसा मोड जिसको कंप्लीट करने के बाद वहां पे हमारी मौत दिखती है। और गाइस इस मोड को कंप्लीट करने के लिए हमको मिलता है ये हमर कार और गाइस सबसे खतरनाक ये टेढ़े मेढ़े रास्ते। लेकिन गाइस इस मोड में हमको डरने की कोई बात नहीं क्योंकि हम सिस्टम पार देंगे। तो गाइस चलो इस मोड में दिए हुए चैलेंज को कंप्लीट करते हैं। लेकिन गाइस आपको क्या लगता है भाई हम इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं? लेकिन गाइस मुझे लगता है मैं कर लूंगा क्योंकि गाइस इसको ड्राइव करते करते इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं इस कार को दो रस्सियों पे चला सकता हूँ। ओ भाई अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया लेकिन मैं चला सकता हूँ यार, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चला सकता। अच्छा तो गाइस यहाँ पर हम अपनी कार को लेते हैं रैंप के ऊपर। लेकिन गाइस आगे का रास्ता इससे भी डेंजर मिलेगा लेकिन कोई बात नहीं, उसको भी हम कंप्लीट कर ही लेंगे। ठीक है तो गाइस आगे हमको देखने को मिलता है ये बिल्डिंग और वहाँ पे डस्टबिन से बना ये रास्ता। बट गाइस यहाँ पे ओ थोड़ा ही है, मतलब हम यहाँ पे चल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं चल सकते। लेकिन ये गिर मत जाए, ओ भाई गिरना मत, ये एक पैर तो गया इसका, बट ओ भाई मत जाना यार। तो गाइज यहाँ पर हमने अपनी कार को किसी तरह निकाल लिया। बट गाइज अब देखते हैं आगे जो कि घूमता फिरता मिलेगा एक कंटेनर जहाँ पे भाई अपनी कार को ले जाना है और वहीं से पार कराना है। oh, no. लेकिन गाइज इसमें डरने की कोई बात नहीं क्योंकि इस गेम को सबसे प्रो आदमी खेल रहा है, आई मीन मैं। सही में यार, और अपनी कार को रुकना नहीं है सीधे। तो गाइज फाइनली यहाँ पर हम बच जाते हैं तो हम चलते हैं आगे के साइड वो रैंप के पास और वहाँ से आगे का रास्ता कैसा है। लेकिन ये क्या है, बोर्ड भाई दिया इस पे। खैर चलो चलते हैं इन दोनों पेड़ों के बीच से आगे। बट ये भाई थोड़ा सा धक्का लगता है, ये लो भैया ये कौन सा पेड़ है भाई इस पे, और नीचे की साइड तो गया ही गया। खैर यहाँ पे इस कंटेनर के पास तो आ गए, ये तो सिंपल था, ये भी कोई भी मतलब इसको कंप्लीट कर सकता है। अच्छा तो गाइस हम यहाँ तक तो पहुँच गए, अब आगे का रास्ता देखते हैं कैसा होता है। लेकिन ये क्या भाई ये कंटेनर के पास, चलो यहाँ पर भी आ चुके हैं बट आगे रैंप है और गाइस रैंप के पास तो उसका क्या बोलते हैं पहिया, आई मीन बम्बू पता नहीं क्या है वो। खैर उसको छोड़ो, अब भाई अपना हैमर कार को पीछे लेकर चलते हैं सीधे उस कंटेनर के पास और वहां से भाई हमको दिखता है घूमता फिरता कंटेनर जो कि आगे है। ठीक है तो गाइस जैसे ही हम इसके आगे जाते हैं तो भाई हमारे साथ बहुत बुरा हो जाता है। क्या हुई? भाई जैसे ही मैं अपनी कार को इस रैंप से जंप कराता हूँ तो हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तो गाइज यहाँ पर हमारी कार फंस जाती है। लेकिन गाइज मैं सोचता हूँ भाई मैं क्यों फंसूँ, सीधे यहाँ से उतर जाता हूँ। तो गाइज यहाँ से उतर कर जाता हूँ और अपना सेलफोन निकाल कर भाई एक और हमर कार स्पॉन कर देता हूँ जो कि यह अपना खुद का हमर कार होता है। तो गाइज हमने डायल करा 888-0 और ये आ गया हमारे पास हमर कार। अब गाइज इससे करेंगे आगे का रास्ता तय। तो गाइज फाइनली हम अपनी कार में बैठ चुके हैं, अब भाई करना है इस रैंप को पार। लेकिन गाइज सबसे पहले इस कंटेनर के ऊपर और गाइज आगे, ये क्या भाई आगे भी एक कंटेनर हमको घूमता हुआ दिख रहा है। बट भाई यहाँ पर हमको रुकना नहीं है और भाई सीधे चलना है 400 की स्पीड में और ये हमने इसको पार कर दिया। अब चलते हैं आगे वाले मोड़ पे जो कि भाई ये सबसे डेंजर है, मतलब गाइज ये खतरनाक है, खतरनाक से खतरनाक, देख रहे हो भाई, मतलब यहाँ पे हमको थोड़ा ज्यादा ही बैक लेना पड़ रहा है। और ये ओ भाई ये तो सिंपल हो गया था। तो गाइज आगे भी एक कंटेनर हमको घूमता हुआ दिख रहा है, मतलब ये रेड वाला। तो भाई यहाँ पर भी हमको नहीं रुकना है और सीधे चलना ये इस ब्लू वाले कंटेनर के पास। भाई यहाँ पर भी आ चुके हैं बट ओ भाई मतलब यहाँ पे कुछ ज्यादा ही डेंजर है, मुड़ाओ। खैर यहाँ पर हम अपनी कार को मोड़ते हैं लेकिन भाई एक तो पहिया जाइबे करेगा नीचे, तो भाई बच गया क्या। खैर चलते हैं थोड़ा और आगे लेते हैं इसको, उसके बाद से थोड़ा बैक करके मार लेंगे टर्न। बट ओ भाई थोड़ा एक चक्का जाएगा आगे, तो ये गया, अब थोड़ा बैक करते हैं बट गिर मत जा। तो गाइज यहाँ पर भी हम गिरने से बच गए बट यहाँ पर ये तो इजी है भाई, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे जाकर और सीधे ब्रेक मार देना है और एक चक्का तो गया बट गाइज यहाँ पर हम फिर से बच गए। तो गाइज फाइनली हम अपने टारगेट के पास पहुँचने वाले हैं। लेकिन गाइज इस रैंप के बाद जो कि भाई ये घूमता हुआ मिल रहा है कंटेनर जो कि पता नहीं क्या ये है, ये भाई इस पे चढ़ना तो मुश्किल लग रहा है, ट्राई करते हैं भाई चढ़ने में क्या जा रहा है। तो थोड़ा ओ भाई ये तो ऊपर ही टांग लिया। तो गाइज यहाँ पर हम किसी तरह इस कंटेनर के ऊपर तो आ जाते हैं बट थोड़ा वेट कर लेते हैं, भाई ये फिर से आएगा और अपनी कार को रोकना नहीं है, सीधे ले चलना है आगे जो कि हमारा टारगेट तो हो गया। ओ ओ भाई ये क्या, ये लो हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। तो गाइज यहाँ पर ये कंटेनर फिर से आती है, तब देखो हमारे साथ क्या होता है। आसमान की ऊंचाइयों में हम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो गाइज फाइनली हमने टारगेट तक पहुंचकर भाई अपनी चैलेंज कंप्लीट कर दी। बट गाइज यहां से देखते हैं भाई इसका नजारा कैसा है,
और गाइज मुझे लगता है भाई इसको देखने के बाद यमराज का दर्शन तो हो ही जाएगा। तो गाइज चलो देखते हैं नीचे का नजारा। और गाइज अगर आपके पास कोई मिथ है तो भाई उसको कमेंट कर दो। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को।